फ्री में दे रहे हो। हर बार मुझे नीचा दिखाने वाले गुरु और भोले की मैं बैंड बजाऊं। ओ हुजूर, रहने दीजिए ना, आप सिर्फ बैंड हैं, बजाते तो वो लोग हैं। ओ हुजूर, इस बार मैंने किया है ऐसा बंदोबस्त कि दोनों का हो जाएगा बिशुम बिशुम। ये है अलबत्ता की जादुई गोलियाँ, इसे खाने से आदमी हो जाता है बूढ़ा, तो मैं इन दोनों गुरु चेले को बूढ़ा बनाऊं। गुरु, ये मेजर साहब रोज हमसे परेड क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर रहे हमेशा तरोताजा, क्या समझा? गुरु, तरोताजा रहने के लिए तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। वो देखो, ये तो एमजे की दुकान है। गुरु, तुम्हारा मेरी दुकान में वेलकम करूं? आओ। जरूर। सबको पिला रहा हूँ नींबू पानी फ्री में, आओ तुम भी पी लो फ्री में। घटाक ले घटाक ले घटाक। वाह एमजे वाह, बस ऐसे ही करते रहना अच्छे काम, सुरताल नगर वालों के दिल जीत कर पा लो इनाम। अब देखता हूँ कैसे गाना गाते हो तुम, क्योंकि अब तुम्हारा सन होगा डाउन और मेरा अप। आओ 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 आओ, बिशुम बिशुम अब होगी दिशुम दिशुम। सही जगह पर रुके हो गुरु, भूख तो मुझे भी लगी है, ऐसा लगता है कि सालों बीत गए और कुछ खाया ही नहीं। हाँ, हाँ, मेरे भोले, अरे आलू छोले, रुका नहीं हूँ मैं भूख की वजह से, थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है अंदर से रे। गुरु, लगता है आपकी उम्र हो गई है। अरे भोले, अरे आलू छोले, उम्र मेरी नहीं, अरे तेरी हो गई रे, देख आगे के बाल सफेद हो गए हैं तेरे। मुझे दिख नहीं रहा है गुरु, चलो घर चलकर आईने में देखते हैं। चल। गुरु, आप इतना थक गए हैं कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अरे जवानों, ये क्या, तुम अचानक 70 साल के बुड्ढे कैसे हो गए? अरे हाँ गुरु, आप तो बुढ़े हो गए। अरे भोले प्यारे, तू भी तो बचपन से सीधा 55 का हो गया रे, ये क्या हो गया रे? अरे जवान, पर ये हुआ कैसे? सुबह जब गए थे तब तो तुम दोनों जवान थे। गुरु, सुबह 9 बजे निकले थे, वापस आते आते हमें 50 साल लग गए, सॉरी। वो नींबू पानी पीने के बाद ये हमारी हालत हो गई। लगता है ये उसी एमजे की करतूत है। जवान भोले, मेरी बंदूक देगा, बंदूक दे। मेजर साहब, बंदूक लेने जाऊंगा तब तक और 10 साल बीत जाएंगे। हैं? ओके ओके, सबसे पहले मेजर तुम्हारा इलाज करवाएगा। मेजर इलाज करवाओ, चलो डॉक्टर डोज के पास। ये क्या? देखो गुरु भोले बुड्ढे हो गए, चलो सेल्फी लेते हैं। गुरु, हम जवान थे तब भी इतने फेमस नहीं हुए जितने बुढ़ापे में हो रहे हैं। अरे भोले प्यारे, मुझे तो लग रहा है डर, ऐसे कैसे जिंदगी बीत गई जैसे पल भर। हाँ गुरु, अभी तो कितने समोसे खाने बाकी थे, कितने परेड करने बाकी थे। इसी बिल्डिंग में 8वीं फ्लोर पर डॉक्टर डोज मरीजों को देखने गए हैं।
तो हम भी एक साथ ऊपर जाएंगे। ऊपर चलो। हुजूर को बताता हूँ कि ये लोग आठवीं फ्लोर पर चढ़ रहे हैं। अब मैं जाकर लिफ्ट बंद करूं, दोनों बूढ़ों को आठवें फ्लोर तक चलाते चलाते ले जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों ले जाऊं, भेजूं। आओ, आओ, आओ। मैं लिफ्ट खराब करके आया, अब देखते हैं असली मजा। ओ हुजूर, उधर देखिए, वो लोग तो दूसरी बिल्डिंग में गए थे। मेजर साहब, तो फिर आप लोग उस बिल्डिंग से कैसे आए? हाँ, पर हमें पता चला हम गलत बिल्डिंग में घुस गए थे। डॉक्टर डोज उस बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ये तो इसे बस थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए पूछा। बचाओ, बचाओ, बिल्डिंग टूट रही है। शांत हो जाओ जवान, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी से गुरु भोले को बुला ली। हाँ जवान, जवान जवान जवान, देखो क्या हो गया। अरे वाह गुरु, हमारे सुरताल नगर में टेढ़ी बिल्डिंग किसने बनाई? अरे बिल्डिंग टेढ़ी नहीं है, गिर गई है, सब अंदर फंसे हुए हैं। अरे मेजर, यहाँ क्या बुड्ढों के साथ कप्पे लड़ा ली? चाली, जल्दी से गुरु भोले को बुला ली। ये क्या रहे, अब ये बचाएंगे। ये बुड्ढे कैसे होली? वो सब बाद में, गुरु भोले जल्दी से उठो, देखो पूरी बिल्डिंग गिर गई है, लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। मेजर साहब, इन्हें तो खुद को हेल्प की जरूरत होली, कुछ और सोच ली। हटिए हटिए, पीछे हटिए। हाँ शाबाश। अरे अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु, हमें भी इन्हें बचाना चाहिए। अरे पर कैसे? गुरु जवान, गाना गाओ। तक दिन दितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। ओ मेरे भोले थोड़ा कर कमाल, लोग फंसे है बड़ा बुरा हाल, सुनता क्यों नहीं थोड़ी बदल चाल, भोले हो मेरे भोले। समझ ले भोले, ओल्ड इज गोल्ड, अरे ओल्ड इज गोल्ड, अरे ओल्ड इज गोल्ड। बी बोल्ड कर, सबको होल्ड कर, सबको होल्ड कर, सबको होल्ड। मेरी तुझको है राय, बिल्डिंग गिरने ना पाए। हाय मेरी तुझको है राय, बिल्डिंग गिरने ना पाए। सब चिल्लाए हाय हाय, तू सबको ले बचाए। मुश्किल जितनी भी बड़ी, हम जेब में रखते हैं करके फोल्ड, करके फोल्ड, करके करके फोल्ड। समझ ले भोले, होल्ड इज गोल्ड, अरे होल्ड इज गोल्ड, अरे होल्ड इज गोल्ड। बी बोल्ड कर, सबको होल्ड कर, सबको होल्ड कर, सबको होल्ड। कमाल कर डाली। सिर्फ मैंने नहीं रे, मेरे प्यारे भोले ने भी। अरे गुरु, ये तो टीम वर्क है। चाहे बुढ़े हो या जवान, गुरु भोले देंगे हर बुराई को अंजाम।
सुनो, ये पुतला है दानवों के राजा अकल और मंद का, जिनके एक ही शरीर में दानव रहते थे दो। क्या समझे? उन्होंने अपने जादुई तीरों से कई गांव तबाह किए। आखिर में सच्चाई के योद्धाओं ने इन्हें हरा कर हमेशा हमेशा के लिए सूरज पर कैद कर दिया। इसीलिए हर साल की तरह आज भी हम बुराई का ये पुतला जलाती। चलो अब इसमें पटाखे भरते हैं। इतने सारे पटाखे, मजा आ जाएगा। अरे वाह, ये देखो घुटना पटाखा। ये घुटना नहीं, दिल होती। ये है धक धक बम। इसे पुतले में नहीं लगाती, वरना वो जिंदा हो जाती। फेंक दो इसे। किसने मारा मुझे ये बॉम्ब? इसी बुरे राजा अकलमंद के पुतले ने फेंका होगा, तभी बत्तीसी दिखाकर हंस रहा है। अभी मजा चखाता हूँ। बांगड़ुओं, हो गए लगाकर पटाखे सभी इस पुतले में। अब शाम को जलाएंगे इसे, तब तक करते हैं थोड़ा चिल। राजा मंद, देखो हमारा पुतला जिंदा हो गया है। अब हर साल की तरह इंसान हमारा पुतला नहीं जला पाएंगे। राजा अकल, हम इंसानों से पहले ही अपना पुतला खुद जला देते हैं। अरे जब दो सरदे ही दिए थे तो अकल भी दोनों में ही दे देते। अरे राजा मंद, हर साल ये लोग बुराई को जलाते थे, लेकिन इस बार बुराई अच्छाई को हराएगी। बुराई और अच्छाई को लड़ने दो, चलो हम दोनों कंचे खेलते हैं। ये बुराई हम ही हैं, हमें हराना है अच्छाई को। समझते नहीं हो तुम? इन इंसानों के साथ साथ पूरा शहर हम तबाह कर देंगे। सब पुतले की तैयारी करके थक ली। हाँ, अब ठंडा नींबू पानी पीकर चिल कर ली। वो देखो राजा मंद, वो रहा नींबू पानी वाला। नहीं, वो रहे इंसान। अब हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। नींबू पानी पिएंगे और पैसे दिए बिना ही भाग जाएंगे, है ना? काश मेरे पास अपने खुद के दो पैर होते तो मैं कब का भाग चुका होता यहाँ से। गुरु देखो, राजा अकलमंद का पुतला भी नींबू पानी पीने आ रहा है। धक धक बॉम्ब की वजह से राजा अकलमंद वापस जिंदा हो लिया। हर साल बुराई का पुतला जलाकर बहुत जीत की खुशी मना ली तुम लोगों ने। अब बुराई का पुतला तुम्हें हराकर जीत मनाएगा। अरे भागो रे बांगड़ुओ, भागो। A
अब हम अपनी जादुई तीरों की मदद से इन्हें बंधक बनाएंगे। राजा कल सबसे पहला तीर हम चलाएंगे। दो। ठीक है राजा मंद, ये लो चलाओ तीर। राजा मंद, तुमने हम पर ही वार क्यों किया? राजा कल आपने सिखाया था कि अपनी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना तीर नहीं दिया उन्हें। गुरु, तुमने अलबत्ता के मकान से इतने सारे बड़े बड़े पंखे क्यों मंगवाए? सुनो दोस्तों, ये राजा अकलमंद का पुतला भले ही हो खतरनाक, लेकिन बना तो है सूखे घास और तिनकों से ही ना। तुम सही बोली, लेकिन पंखों से क्या कर ली? अरे हसली, हम इन पंखों से एक साथ आंधी जैसी तेज हवा पैदा करेंगे कि राजा अकलमंद के पुतले की सारी घास उड़ जाएगी और पूरा पुतला टूट जाएगा। क्या समझा? देखो वो आ गया। आखिर हमारे रस्सी वाले तीर ने तुम सबको पकड़ लिया सिवाय इस बेवकूफ के। बोले कुछ भी कर, लेकिन सभी पंखों के बटन ऑन कर दे रहे तू। इतने सारे बटन एक साथ ऑन कैसे करूं? आइडिया, सॉरी गुरु। अरे भोले, तू ये क्या कर रहा है? ऐसा क्यों किया रे बांगड़ू? ये क्या हो रहा है? हमारा पुतला नष्ट नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, बड़े आए थे हमारा शहर नष्ट करने, खुद नष्ट हो गए। खुद पुतला होकर इंसान से पंगा लेने चले थे, देखो कैसे मिट्टी में मिल गए। मम्मा मिया, धक धक बॉम्ब की वजह से राजा अकलमंद वापस जिंदा हो लिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे हमारे बारे में? यही कि पुतले को मिट्टी में मिला दिया। अरे बस कर रे बांगड़ू, सुन लिया उन्होंने। वो देखो सोने की चिड़िया। अरे कहाँ है सोने की चिड़िया? ओहो हो हो, अरे उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है राजा मंद। देखो देखो, सब भाग गए। रुको रुको, अभी उन्हें दलदल वाला तीर मार कर फंसाता हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये सुल्तान नगर नष्ट कर दूंगा। भोले, हम तुमको बता दी, जल्दी से उस धक धक बॉम्ब को नष्ट करती, तभी ये पुतला नष्ट होती। अरे चिंता मत कर, हमारा गाना और नाचना बचाएगा हमें। अरे तक दिन धितांग बाजे, काए गुरु और भोले नाचे। अकलमंद मंद 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 राजा, अकलमंद मंद 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 से बचा।
पीछे पड़े दो है राजा एक है मन एक है अकल मारे फिरे टाटा टाटा ग्राउंड का बना दिया दल 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 अकल मंद 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 इवल है ये करना भरोसा आग लगाते इंद भूसा इनको दिखा सुरताल नगर में पैड को गुड़ मारे है घुसा घुसा अकल मंद 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 राजा अकल मंद 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 से बचा अकल मंद 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 राजा अकल मंद 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 से बचा अरे वाह भोले ने राजा अकलमंद के पुतले को नष्ट कर दिया भोले ने लेफ्ट से राइट से हमें बचा लिया और आज फिर से अच्छाई की बुराई पर जीत हुई और बुराई के पुतले को अच्छाई ने जला दिया बुराई के पुतले डर के हमसे जाते हैं भाग क्योंकि हमारी जोड़ी में है सच्चाई की आग आगे बढ़ लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट एक दो एक 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 दो एक एक दो एक दो एक दो एक एक गुरु एक दो एक दो, एक दो, एक दो करके एक, गेट एक, के बाहर निकल जाए अरे नहीं रे भोले प्यारे अगर हम बाहर निकल गए तो मेजर साहब एक दो करके एक दो, वापस एक, अंदर ले आएंगे हमको एक दो, एक, गुरु अपना काम हो गया पर्दे बंद कोई मेजर साहब से मिलने आया है हेलो मेजर साहब हेलो दीपक कैसे आना हुआ मेजर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी सुरताल नगर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है कम से कम 5-6 घंटे का काम है तो आप मेरे बच्चे को संभालोगे अब देखिए ना मीटिंग में इसे कहाँ लेके जाऊँ ये बेचारा बोर हो जाएगा तो फिर इसे घर ही छोड़ देते दरअसल ये मेरे साथ आने की जिद कर रहा था इसीलिए मैं लेकर आया हूँ नहीं नहीं आप घबराइए मत मेरा बंटी मुझ पर गया है एकदम शांत है ना बेटा पापा कहते हैं मैं एकदम शांत हूँ मुझे बचपन से ही ऐसा शांत और भोला बच्चा बनने का शौक था अरे मालूम है रे मालूम अरे बचपन से तुझे 55 शौक है रे मेरे प्यारे शांत तो तू है ही और भोला तेरा नाम है ये अंकल मेरे साथ खेलेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं ये भोला अंकल तो तुम्हारे साथ खेलेंगे ही साथ में ये गुरु अंकल और मैं भी खेलूंगा हम सब एक साथ बच्चे को एंटरटेन करेंगे एंटरटेन कर एक दो एक एक दो एक दो एक दो एक दो एक आओ भूच मैं उस बंटी को किडनैप करूं और बदले में उसके पापा से ढेर सारी टॉफियां मांगूं ओ हुजूर देखिए कहीं टॉफी की जगह आपकी ही ट्रॉफी ना बन जाए ये किडनैपिंग तो मैं ही करके रहूंगा आओ मैं बोर हो रहा हूँ चलो 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 बंटी को हम लोग सुनाएंगे कहानी जो नहीं होगी पुरानी भोले बांगड़ू कहानी की किताब ले आओ और बंटी बेटे तुम चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ले आओ यस जवान और मेजर लाएगा बंटी के लिए जूस मेजर जूस लेकर आएगा जूस ला एक दो एक एक दो एक एक दो एक दो एक दो एक एक अरे बच्चे तो खेलते कूदते मचाते हैं धमाल पर तुमने क्यों बना रखा है अपना ये हाल हाँ तो रुक जा अभी लाता हूँ ढेर सारे खिलौने करते हैं हम कमाल एक दो एक 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 दो एक एक आ अब हम खेलेंगे फुटबॉल और मैं गोल करूंगा लगातार क्यों ये पहला गोल अरे नहीं अरे रुक जा
किक बंटी, वेरी गुड। हमारा बंटी फुटबॉल चैंपियन बनेगा। फुटबॉल चैंपियन। गोल नंबर 3, 4, 5, 6। नहीं बंटी, यहाँ मत खेलो, बाहर जाओ। मेरा टीवी। ओके, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं। हम चोर पुलिस खेलेंगे। पापा कहते हैं मुझे हमेशा पुलिस ही बनना चाहिए, चोर तो गंदे होते हैं। बेटा जवान, ये लकड़ी रख दो। बंटी बेटा एक साथ लकड़ी रखेगा। लकड़ी रख। नहीं नहीं, थोड़ा खेलने के बाद रख दूंगा। हाँ, तो मैं पुलिस और तुम चोर, चलो छुप जाओ। मैं 10 तक गिनूंगा। हाँ, पापा कहते हैं कि जो पकड़ा गया वो चोर, अगर पकड़े गए तो उसे इस लकड़ी की मार खानी पड़ेगी। गुरु, ये लकड़ी बहुत लगती है। 1, 2, 3 अटैक। लेकिन तुम तो 10 तक गिनने वाले थे ना। मैंने इरादा बदल दिया, अटैक। अरे, अरे बोले भाग। मेजर साहब, अब तो सच में बारी आई है छुपने की। मेजर अंकल, गुरु अंकल, भोले अंकल, कहाँ हो? ये लो बेटा, चॉकलेट खा लो। पापा कहते हैं अनजान आवारा लोगों से चॉकलेट लेकर नहीं खाना चाहिए। आओ, आओ, आओ। पर पापा तो नहीं है ना, तो आओ चॉकलेट ले जाओ। आओ। अरे हाँ, पापा तो है ही नहीं, तो चॉकलेट खा लेता हूँ। ये लो। चलो निकलो यहाँ से, काम हो गया। बंटी, अरे बंटी कहाँ हो तुम? बंटी, बंटी। गुरु, वो देखो एमजे भाग रहा है। जरूर यही बंटी को ले गया होगा। जवान, जल्दी से एमजे को पकड़ेंगे। एमजे को पकड़ो। बताओ तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर, ताकि मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूं। पापा कहते हैं हमेशा कम बोलो। ओ हुजूर, इसकी जेब टटोलो, इसमें से कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। टटोली टटोली। नकसुरा, लेकर आओ बच्चे के लिए दूध, मैं इसके पापा को फोन करके आऊं। उधर कोई है? भिशुम भिशुम, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया? करनी पड़ेगी भिशुम भिशुम, या चलो या भिशाप्स। दरवाजा खोलो। एक तो कहाँ है बंटी? बंटी कहाँ है? अब क्या बताऊँ, वो अभी अभी भाग गया उस तरफ, ये टूचुक टूचुक करके। बंटी, बंटी। एक दो, एक एक। भाई साहब, क्या आपने एक छोटे से बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं। अरे बंटी, 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 बंटी! भाई साहब, क्या आपने एक छोटे से बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा? गुरु, तुम यहाँ क्या कर रहे ली? मैं तुम्हारे घर जाके आली। अरे क्या हुआ हसली? अरे उधर एक बच्चा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर चढ़ गेली, तो उसे बचा ली, जल्दी चली। कहाँ है वो बांगड़ू बच्चा? कहीं वो हमारा बंटी तो नहीं? उस तरफ होली गुरु भोले, जल्दी चली। लेकिन गुरु, वो बच्चा हमारा बंटी नहीं हुआ तो? तो भी बच्चे को तो बचाना ही पड़ेगा मेरे यारा, यही तो काम है हमारा। अरे कोई बच्चे को बचाओ, वो गिर जाएगा। वो रहा ऊपर, देख ली, जाओ जल्दी बचा ली। बचाओ। 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 गुरु जवान, ये तो हमारा बंटी है, हमें बंटी को बचाना होगा। बंटी को बचाओ।
होली। भोले सुन ली। मैं वही तो बोल रहे ली भोले, ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं होली, नहीं तो हम लोग ही बच्चे को बचा ली और ट्रॉली भी नीचे नहीं आ रहे ली। अब तो बस एक ही तरीका है, गुरु हो जाओ शुरू। समझ गया मेरे भोले प्यारे, मेरे राज दुलारे, यानी के तक दिन दितांग बाजे गाए गुरु और भोले नाचे। बंटी 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 हो बेचारा, बंटी 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 हो बेचारा। अपना लड़का है कमाल है जी, इसकी तेज चाल पर फंसा है बुरे हाल। लटका 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 इसको रखना था हमें सेफ, पर ये भी तो सवा शेर, ना जमी पे ना आसमां पे अटका 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 अटका, इसको ले बचा क्योंकि हमने दी थी गारंटी। बंटी 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 हो बेचारा, बंटी 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 हो बेचारा, बंटी 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 हो बेचारा, बंटी 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 हो बेचारा। अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग इसी साइड पर थी? अच्छा चलो छोड़ो, जो भी हो मुझे आपके घर तक नहीं आना पड़ा। इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नो। नहीं किया होगा, वरना अभी तक तो आप लोग अपने बाल नोच रहे होते। थैंक यू भोले अंकल। नहीं बंटी, ये तो मेरे गुरु का कमाल है। अरे नहीं रे पगले, ये तो टीम वर्क है।